Hello friends, I'm sure you know that 2024 examinations of CLAT and ALAT had tougher competition. Yes or no? Paper may be very easy, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क पड़ता है कॉम्पिटिशन से, ठीक है. किस तरीके की कॉम्पिटिशन हुई, कितने सारे बच्चे कुछ बड़े नंबर लेकर आए, yes or no? That is what you know. बराबर है. सो आज हम बात करने वाले हैं कि हम इसी तरीके की कंपटीशन को बीट कैसे करें, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो 2025 की एग्जामिनेशन में आपको कंपटीशन बीट करने में मदद करेंगे, जो अगले 18 वीक्स, अगले करीबन से 4 महीने आपको मदद करेंगे. दोस्तों ये ध्यान दीजिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिए दैट कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड 2024 वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्लैट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे 95 के ऊपर स्कोर लेकर आए थे आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस. एंड सेम इज द केस फॉर एलेट एग्जामिनेशन, ठीक है, वहां पे भी कंपटीशन काफी टफ रही. तो दोस्तों ऐसा क्या होता है, ठीक है, ऐसी क्या चीजें होती है, है ना, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको इस 2025 में कॉम्पिटिशन बीट करने में मदद करेगा. आई बीन टॉकिंग टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट रेंजेस, ठीक है, कुछ बच्चे 80-90 का स्कोर लेकर आ रहे हैं, कुछ बच्चे 70-80 के बीच में अटके हैं, कुछ स्टूडेंट्स 60-70 में, कुछ 50-60 में अटके हैं. तो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स के साथ मैं डेली बातें कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, उसके बारे में बात है. दोस्तों देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल पुटिंग एफर्ट्स, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाए, ठीक है. तो भैया वो तो होना नहीं है, है ना, पर उनके लिए भी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, वो भी मैं आज आपके साथ बात करूंगा. दोस्तों क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको 2025 की कंपटीशन बीट करने में मदद करेंगे. सबसे पहला इज कीपिंग वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. दोस्तों कीपिंग हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आप बहुत सारे मॉक देते हैं और मॉक देने के बाद आप ओवरवेलम हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा स्कोर नहीं आया और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. दोस्तों बिल्कुल बात बराबर है कि आप मॉक देते हैं और मॉक में आपका डिजायर्ड स्कोर नहीं आने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है. दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना है. उसका यह मतलब नहीं है कि मॉक नहीं देना है, मॉक तो देना है, पर आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना कैसे है, ठीक है. देखिए दोस्तों कोई भी एग्जामिनेशन हो, भले वो क्लैट हो या एलेट हो, कुछ फंडामेंटल चीज आपसे पक्का पूछेगी, यस और नो. सो दैट इज लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग के फंडामेंटल्स, आरसी के फंडामेंटल, क्वांट के फंडामेंटल्स. सो मेक श्योर दैट ऑन अ डेली बेसिस यू ट्राई एंड फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स, ठीक है. आप अपने फंडामेंटल से दूर ना जाए, ठीक है. आप रोज रोज उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए कि जो आपके फंडामेंटल्स को इंप्रूव करने में मदद करते हैं. सो दैट इज नंबर वन. नंबर टू, ठीक है, रोज आप अपनी प्रैक्टिस को छोड़े मत, ठीक है. आई हैव सीन पीपल हु आर स्टडिंग अ लॉट फॉर सम अराउंड 8 hours, 10 hours अ डे, ठीक है, बट इन दैट 8 to 10 hours दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ठीक है, दे आर नॉट अपियरिंग फॉर सेक्शनल टेस्ट और दे आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस विद इन द टाइम लिमिट, और जिसकी वजह से उनके मॉक में वो आउटपुट नहीं आता है. तो दोस्तों हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको मॉक में भी अच्छा स्कोर तो चाहिए, पर उसकी तैयारी के लिए आपको अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है. अपनी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, अपने प्रैक्टिस को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स नंबर वन फैक्टर. नंबर टू फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इज अंडरस्टैंड दैट दिस एग्जामिनेशन इज ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है. मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन दिस फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम विच इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है. आपको ज्यादा स्पीड चाहिए और आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है. आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि 2024 की क्लैट के एग्जामिनेशन के अंदर देयर वर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबाउट 90, यस और नो. 90 के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे आए, और बहुत ज्यादा बच्चे कैसे आ पाए, क्योंकि उनका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग था. दे वर अवेयर कि ये एग्जाम स्पीड और ये एग्जाम एक्यूरेसी दोनों की है, यस और नो. तो आपका काम होना चाहिए इन दोनों को इंप्रूव करना, ठीक है. देखिए दोस्तों स्पीड कैसे इंप्रूव होती है, आप स्पीड इंप्रूव करते हैं कि आप छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट लीजिए, ट्राई करिए,
है ना, अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर उसमें स्कोर बढ़ाने की कोशिश करें, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी कहाँ से बढ़ती है? आपके नॉलेज की वजह से बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि मुझे लीगल एप्टीट्यूड आता है, उसके बावजूद लीगल में आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्राई एंड फोकस ऑन योर लीगल कॉन्सेप्ट्स, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीगल कॉन्सेप्ट्स को दो बार रिवाइज करना, लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, ठीक है, आरसी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? सो दैट्स सेकंड पॉइंट, है ना, फोकस ऑन योर फंडामेंटल। दिस इज एन एग्जाम ऑफ एप्टीट्यूड, दिस इज अ स्किल बेस्ड एग्जाम, सो ट्रेन योर सेल्फ फॉर दैट स्किल्स, ठीक है, नॉट जस्ट यू कैन से दैट स्कूल वाला तरीका, है ना, कि भाई ये रहा मेरा सिलेबस और मैं उसी सिलेबस को कंप्लीट करूं। Please understand, this exam is of aptitude, ठीक है, this is not an exam of a fixed syllabus, ठीक है, aptitude है, skill है, कम समय में काम करना है, ठीक है, आदत डालिए अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की। तीसरा जो सबसे important factor है, ठीक है, which is about improving your reading, दोस्तों इस exam में आपको पढ़ते रहना है, बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, मतलब ऑन अ स्केल ऑफ यू कैन से नंबर ऑफ वर्ड्स, इफ आई यू कैन से शेयर विथ यू आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, इफ आई कन्वर्ट देम इनटू नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ऑल 120 क्वेश्चन इंक्लूडिंग पैसेजेस, दैट विल बी सम अराउंड 28,000 to 30,000 वर्ड्स विच यू हैव टू रीड, यू हैव टू इंटरप्रीट, यू हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट। सो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि उन सब में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी रीडिंग स्पीड तगड़ी होनी चाहिए, रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होने चाहिए, पढ़ते पढ़ते आपको लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मैंने बहुत पढ़ लिया या मुझे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है, यू आर नॉट गेटिंग दैट यू कैन से इंक्लिनेशन, वो सब नहीं चलता है। डेवलप दैट क्यूरियोसिटी, ठीक है, टेल योर सेल्फ दैट आई नीड अ ग्रेट स्कोर आउट ऑफ दिस, और अच्छा स्कोर लाने के लिए मुझे रीडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो रीडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों रीडिंग में आपका फंडामेंटल पार्ट होना चाहिए, आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, भले वो लीगल एरिया हो या इन जनरल नॉलेज की बात हो या लेट्स से फिक्शनल या नॉन फिक्शनल आरसी पैसेजेस हो, ठीक है, यू हैव टू बी गुड एट योर रीडिंग कैपेसिटी, वन विथ रिस्पेक्ट टू वोकैब, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू योर कनेक्टिंग द पैराग्राफ्स, ठीक है, आई हैव सीन पीपल हु आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ देयर रीडिंग बट दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट द पैराग्राफ्स बिकॉज दैट लॉजिकल कनेक्शंस आर नॉट गेटिंग डेवलप इन द माइंड। रिमेंबर इट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग दैट लॉजिकल कनेक्ट, ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाइए, रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, ठीक है, रीडिंग का स्टेमिना बढ़ाइए, रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। कैसे बढ़ती है, है ना, एक ड्रिल मारते रहना पड़ता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, आप रोज न्यूज़पेपर उठाइए और न्यूज़पेपर में पढ़ने के टाइम पे ये फोकस करें कि मैं एक बार में पढ़ के पूरी चीज याद रखूंगा। रीडिंग करने के टाइम पे रिटेंशन होना भी जरूरी है, बगैर रिटेंशन ये एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे, ये सुनो। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, विच इज बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों, समय का मैनेजमेंट करना इज पूरे 7 दिनों का प्लानिंग करना, 7 दिनों की प्लानिंग के मुताबिक उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपसे उम्मीद है, आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपके पास काबिलियत है, उस काबिलियत को एक ऐसे सही जगह पे लगाने के लिए आपको उसको सिक्वेंशियल एक्टिविटी सही तरीके से करनी पड़ेगी। Yes or no? आपसे उम्मीद है आपकी खुद की, आपसे उम्मीद है मेरी, आपसे उम्मीद है आपके पेरेंट्स की, सही बात है ना, ठीक है। तो दोस्तों देखो, नेगेटिव प्रेशर नहीं लेना है उस बात का, पर पॉजिटिवली ये सोचना है कि अगर मेरे से उम्मीद है, ठीक है, तो मेरी आंखों में चमक आनी चाहिए, मैं उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है, और मोर इंपॉर्टेंटली आई शुड एग्जीक्यूट डेली फॉर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, मेरी पढ़ाई कुछ नंबर ऑफ आवर्स की हो गई ऑन अ डेली बेसिस, वंडरफुल। आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक काम करेंगे ना, तो रोज करते करते जो आपने टारगेट रखा होगा, जो आपको लगता होगा 10 घंटे लग रहा है, ठीक है, करीबन 7 या 8 दिनों के बाद वो 10 घंटे वाला काम आप करीबन 8 घंटे में कर लोगे, और फिर धीरे 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 वो 5 घंटे में खत्म होने की काबिलियत बनना चालू हो जाएगी। वही तो कैपेबिलिटी चाहिए ना दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स जो आपको कॉम्पिटिशन बीट करने में मदद करेगा, नंबर 1 हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, मेक श्योर दैट यू हैव अ ग्रेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और कॉन्फिडेंस हवाबाजी वाला नहीं,
Yes or no? It is developed through putting efforts. Number one. Number two, understand this exam is of aptitude. It's a skill-based exam and you have to just focus on that fundamental of speed and accuracy. Tisra part is, again, so very important, is developing a strong reading capacity, reading ability, reading stamina. And number four is managing your time well. If you are able to do, you can say this four things, it is going to be very useful. I'm going to continue to provide all this regular guidance to you about your CLAT preparation. Okay, don't miss out to subscribe our channel. Okay, like this video and share it to large number of people. Agar aapke man mein koi specific query ho, please mujhe bataiye. I will be more than happy to respond to all those queries. Okay, thank you and all the best.